उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कौन से संकेत देता है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कई तरह की बीमारियां मौजूद है। कई बार हमें पता भी नहीं लग पाता है कि हमें कौन सी बीमारी हो गई है, जब तक कि हमें इसके लक्षण नहीं दिखने लग जाते हैं। किसी भी रोग से लड़ने का सबसे सही तरीका है उसे होने ही नहीं देना। कुछ रोग वंशानुगत होते हैं और आसानी से नियंत्रण में नहीं आते, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें पता लग सकता है और इसके लिए हमें थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको कई बार छाती पर दबाव महसूस होगा, इसे एंजाइना भी कहते हैं। जब आपके दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिलता, छाती में दर्द उत्पन्न हो सकता है। कई लोग इसे अपच का कारण मानते हैं, पर अगर यह दबाव लगातार बना रहता है तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने का सबसे अहम लक्षण है कि नींद की कमी। कई लोग जो अनिद्रा के शिकार होते हैं वह डिप्रेशन और घबराहट से भी गुजरते हैं। घबराहट से उच्च रक्तचाप होता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। शोध से पता चलता है कि डिप्रेशन और दिल के दौरे में सीधा संबंध है। अगर बिना किसी कारण के आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है तो आपके दिल में रक्त का प्रवाह कम हो रहा होगा। ऐसा धमनियों में ब्लॉक बनने से भी होता है। दिल के अलावा रक्त प्रवाह में कमी होने से जो दूसरा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वह है फेफड़ा। फेफड़े में खून की कमी से आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप सही तरीके से सांस नहीं लेते हैं तो आपके दिमाग में कम ऑक्सीजन पहुंचता है, इससे भी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। रक्त का प्रवाह ठीक तरीके से नहीं होने से सही मात्रा में खून दिमाग तक नहीं पहुंचता है और इसके कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। अंत आप जान ही गए होंगे हार्ट अटैक आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल राहे वजीफा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।